السلام عليكم. سلام. وعليكم السلام. وعليكم السلام. आपका नाम तो आज पहली दफा सुना है हमने. जी साहब, मैं एक कारकुन था, एक मजदूर था साहब, और मजदूर का नाम किसे पता होता है. तुम्हारे पास किसी कायद का कोई अपॉइंटमेंट लेटर है? जी नहीं साहब, मैं जो काम करता था बड़ी खामोशी से करता था, दिखावे के लिए नहीं. जी, किसी अखबार ने कोई इंटरव्यू लिया आपका? क्यों साहब, मैं कोई लीडर था. अब्दुल्ला साहब, जिस किसी ने उस वक्त तहरीक में हिस्सा लिया है सब तारीख का हिस्सा है, मगर तुम कहाँ हो? कहीं भी नहीं हो. तारीख का हिस्सा? तारीख का हिस्सा? तारीख का हिस्सा तो वो करोड़ों लोग हैं जिनके हलक खुश्क हो गए थे नारे लगाते, लेके रहेंगे पाकिस्तान. पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह. तारीख का हिस्सा तो वो लाखों लोग हैं जिनके घरों को आग लगा दी गई, वो हजारों मासूम जाने हैं जो जिंदा जला दिए गए. तारीख का हिस्सा तो वो माए बहने हैं जिन्होंने अस्मतें कुर्बान की. तुम लोग उस वक्त भी ऐसी कुर्सियों पर बैठकर फाइलों में फैसले किया करते थे. बाबा जी प्लीज. आज भी करते हो? हाँ साहब, आज भी करते हो. लेकिन उन लोगों के एक फैसले ने आप लोगों को छत दी, मुल्क दिया, इज्जत दी, अमान दी. खत्म करो ये सब अवार्ड, सिर्फ एक अवार्ड बनाओ, खूबसूरत सा, कराची से पिशावर तक मेरे बाग के फूलों की तरह खूबसूरत. और फिर वो अवार्ड उन करोड़ों गुमनाम कारकुनों को दे दो जो खुद तो मेरी तरह साइकिल पर रहे और आप लोगों को कार, बंगला और कोठी के काबिल बना गए. बाबू जी प्लीज. हाँ साहब, बस यही लोग मेरे गवाह. ऐसे लोग ना फाइलों में होते हैं और ना अखबारों में. बाबा जी वो सॉरी सर, सर सॉरी, इट्स ओके. बाबा जी आपने बात तो सुनी.